ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जिनमें सी सेक्शन डिलीवरी होती है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपना प्रेगनेंसी में बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप सबके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, आप लोग पूछ रहे थे कि मैम बताइए मेरा 9वें महीने में लेबर पेन कब आएगा, 9वें महीने में कब मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। 9वें महीने में लेबर पेन कब आता है, कब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, सब कुछ क्लियर करूँगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमेशा की तरह। तो वीडियो को आप पूरा देखें, ध्यान से देखें कि बात अच्छे से समझ लें, ठीक है, तभी सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। उसके बाद अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके के प्रेगनेंसी से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली देखने के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। जैसे कि फ्रेंड, जैसे ही महिलाओं का 9वां महीना लगता है, उनको बस यही लगने लगता है कि बस जल्दी से डिलीवरी हो जाए, बच्चा बाहर आ जाए। वो मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी सेम होता था। जैसे ही 9वां महीना लगा, मेरे साथ भी सेम एक्साइटमेंट होने लगता था कि बच्चा बस जल्दी से बाहर आ जाए। बहुत सारी परेशानियाँ झेल ली, बहुत कुछ झेल लिया, बस अब बच्चा आ जाए पास में। तो ऐसा होता ही है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये सभी महिलाएँ सोचती हैं। पहली चीज़ तो 37वें हफ्ते में अगर आपकी डिलीवरी होती है तो सेफ मानी जाती है, लेकिन 37वें हफ्ते से पहले आपकी डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि 9वें महीने का आपका एक हफ्ता निकल जाता है, फिर कभी भी डिलीवरी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। और कई महिलाओं को 9वां महीना लगता है, एक हफ्ता बीतता है और लेबर पेन आ जाता है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। लेकिन फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि आपके शरीर सभी महिलाओं के अलग अलग हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी भी अलग अलग होती है। अब जरूरी नहीं कि सभी महिलाओं की डिलीवरी ही 9वां महीना लगने के एक हफ्ते बाद हो जाए। आप में से बहुत सी ऐसी महिलाएं होंगी जिनका 9वां महीना भी कंप्लीट होने वाला है, तब भी उनको अभी तक लेबर पेन नहीं आया है। उनकी ईडीडी भी पास आने वाली है, तब भी उनको लेबर पेन नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सी महिलाओं के साथ हो सकता है, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि आपको लेबर पेन एग्जैक्ट किस डेट में आएगा, किस समय आएगा। यहाँ तक कि आपका डॉक्टर भी आपको नहीं बता सकता चेक करके कि आपको लेबर पेन कब आएगा। वो सिर्फ एक अंदाजे के तौर पे ही आपको बता सकते हैं कि 4 से 5 दिन वेट कर लीजिए, एक हफ्ते वेट कर लीजिए, शायद लेबर पेन आ जाए। नहीं, नेचुरल जो लेबर पेन आता है उसकी टाइमिंग, उसका डेट कोई नहीं बता सकता। बस आपको सिर्फ ये ध्यान देना होता है कि आपको केवल और केवल अपनी ईडीडी तक ही वेट करना होता है। ईडीडी कौन सी वाली? जो आपको पीरियड के हिसाब से डॉक्टर ने दी है, जो आपकी पीरियड की डेट है उसके हिसाब से जो डॉक्टर ने आपको ईडीडी दी है उसी डेट तक आपको वेट करना है, उसके बाद वेट नहीं करना है। कुछ महिलाएं उस डेट के बाद भी वेट करती रहती है, 10वां महीना लग जाता है, 10वें महीने के भी 1-2-3 हफ्ते निकल जाते हैं, तब भी वेट करती रहती है। तो ये गलत बात है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ये करके आप अपने बच्चे के साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि बच्चे के पेट में रहने का भी एक समय होता है। बच्चा केवल 9 महीने ही पेट में रहता है, आप कितना उसको पेट में रखोगे? लेबर पेन नहीं आएगा तो क्या आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे? फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से लेबर पेन नहीं आता है। उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी किस रीज़न की वजह से नहीं आता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको यही बता रही हूँ कि आपको केवल और केवल ईडीडी तक ही वेट करना है लेबर पेन को। उस तक भी अगर लेबर पेन नहीं आ रहा है तो फिर आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ। अगर पॉसिबल हुआ तो डॉक्टर आपको एपिड्यूरल इंजेक्शन देकर आपकी नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियल लेबर पेन उठाकर आपकी नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे। लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है, बच्चे की उल्टी तिरछी पोजिशन है, पानी कम है, बहुत से ऐसे रीज़न होते हैं, तो इस वजह से फिर डॉक्टर आपको ऑपरेशन बता सकती है। जैसा डॉक्टर आपको कहते हैं वैसा ही करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे ईडीडी से ज़्यादा वेट नहीं करना है आपको लेबर पेन का। इसके बाद जैसे कि सवाल होता है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी कब होगी, तो फ्रेंड्स, अगर गर्भवती महिलाओं को 37वें हफ्ते से लेकर पूरा 40वें हफ्ते के बीच लेबर पेन आ जाता है तो उनके चांसेस नॉर्मल डिलीवरी के ही होते हैं। लेकिन अगर पूरा 9 महीना भी हो गया है, ईडीडी भी आपकी निकल चुकी है, तो ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जिनमें सी सेक्शन डिलीवरी होती है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए मैं तो आपको सलाह दूंगी कि आपका 38वां हफ्ता निकल गया है, 39वां हफ्ता भी पूरा होने वाला है और आपको लेबर पेन तब तक भी नहीं आ रहा है, तो ज़्यादा वेट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप जाके डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो डॉक्टर आपकी आर्टिफिशियल लेबर पेन देकर नॉर्मल डिलीवरी कर देगी। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा वैसा रहा, कुछ भी गड़बड़ हुआ, पोजीशन सही नहीं है, पानी की कमी है, कोई भी आप में दिक्कत है, हाई बीपी थायराइड की दिक्कत है, तो डॉक्टर से प्लान करके आप अपनी सी सेक्शन डिलीवरी करवा लीजिए, ठीक है। तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि 9वें महीने में आपकी डिलीवरी कब होती है और नॉर्मल डिलीवरी किस हफ्ते में होती है। सो आई होप ये कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, काफ़ी सारे सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।